अब बढ़ते हैं मुंबई की कांदिवली की ओर। मुंबई की कांदिवली के पोईसर इलाके में हर साल की तरह इस साल भी महाकवि विद्यावती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुरभि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक सिन्हा और सुधीर मिश्रा ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में टीपी चौधरी जी ने बिहार वासियों के लिए 3 एकड़ जमीन देने का वादा किया, जिसमें बिहार भवन बनेगा और इसमें बिहार से आए कैंसर पीड़ित मरीजों को ठहरने की व्यवस्था भी होगी। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने अपनी उपस्थिति दर्शाई एवं कार्यक्रम एवं सहयोग देने वालों की सराहना की। उसके अलावा कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कवि समारोह में हिस्सा लिया। तो आइए हम आपको इस कवि समारोह की एक झलक दिखाते हैं। पेश है मुंबई से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जवानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो बरिगतु फलवत्यो सतमिन्न सरदो अंतिदेवा मदक्षरन्ति सिंधवः माद्गरणः संतोकधीः मधुनक्कमुतोकसः। मुझे लगता है कि महापालिका के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और महापालिका चुनाव को सामने रखते हुए कई राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक मूर्ति फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक घिनौना प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रवादी पार्टी है और भाषा प्रांत जात धर्म इसके ऊपर कभी भी विभाजन करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करते आई नहीं है और इसके लिए ये सारा सार गलत है और इसके लिए नामकरण होके रहेगा। वही नाम रखा जाएगा जो नामक नाम महापालिका ने सम्मत किया है। वही नाम वो सबको मालूम है। इसके लिए कोई सवाल नहीं है। तो हर बार चुनाव लेते हैं। देखो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जहाँ तक मंच का सवाल है मैं इस तरह कहूँगा कि जिन्होंने आज जो मराठी का मुद्दा लेकर नामकरण को विरोध कर रहे हैं, उन्होंने मेरे सामने उत्तर भारतीय कैंडिडेट दिया था। तब इनका मराठी स्पीच कहा गया था। एक मराठी कैंडिडेट के खिलाफ वो उत्तर भारतीय कैंडिडेट देते हैं और मराठी का नाम लेते हैं। मुझे लगता है कि लोग मूर्ख है ये समझकर जो राजनीति करते हैं, उनकी ये हालत है। इस राजनीति को कोई वैल्यू नहीं। सिन्हा साहब, हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी जो है विद्यापति समारोह मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल विशेष इसलिए है शिवसेना मन से बीजेपी कांग्रेस सबको अपने आमंत्रित किया है। क्या कुछ वजह क्या? एक जो हमारा कार्यक्रम है ये सामाजिक कार्यक्रम है। हम चाहते हैं जो भी सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम हो उसमें समाज के हर वर्ग शामिल हो। उसमें बीजेपी शिवसेना मन से कांग्रेस का मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग समाज के अंग हैं।
और जब हम किसी भी कार्यक्रम को सब लोग मिल के मनाएंगे तो लोगों में आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ेगा और लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए हमने इस बार सब लोगों को सम्मिलित करके कार्यक्रम किया। कार्यक्रम आप करते हैं, उसका उद्देश्य क्या? देखिए, कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जमा करना, आपस में एकता लाना, और प्लस अभी जो नई जनरेशन हमारे आ रही है, अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है उसमें हमारे पुराने ऋषि मुनि कभी उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो ये कार्यक्रम में हम हर साल नए बुक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस बुक के माध्यम से लोगों को कवि के बारे में, विद्यापति जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके, ये हमारा उद्देश्य रहता है। एक भवन निर्माण के लिए क्या है, देखिए यहाँ के एक्चुअल में बॉम्बे में बिहार से बहुत लोग आते हैं, उसमें खास करके कैंसर पेशेंट जिनके रहने का कहीं कोई व्यवस्था नहीं होता है, उनको फुटपाथ पे रहना पड़ता है, एक पहली समस्या है। दूसरी समस्या जो है वो है कि यहाँ पे शादी ब्याह जो परंपरागत रूप में होता है वो आज लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तो उनके पास जगह की कमी है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ बिहार के जो भी लोग हैं वहाँ पे अपनी परंपरा के हिसाब से अपना शादी विवाह जनेऊ जो भी कार्यक्रम उस कार्यक्रम को कर सके। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग एक बिहार भवन बना रहे हैं जहाँ सबको उनकी जरूरत के हिसाब से सब साधन मिल सके। हमारा योगदान ऐसा है कि मैं और सिन्हा जी हम लोगों ने एक व्रत लिया है कि इस मुंबई शहर में मुंबा देवी के आशीर्वाद से, शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से मुंबई शहर से हम लोगों को बहुत कुछ मिला और हम लोगों को जो कुछ भी मिला इसमें हमारे समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक दिन वो था जब हम यहाँ नए थे, उस समय हमारे समाज के लोगों ने ही हमको यहाँ खड़े होने के लिए जगह दिया था और हर तरह से हमारा उत्साह वर्धन किया। तो अब समय ऐसा आ गया कि अब हमने हमारे परिवार के लिए तो बहुत कुछ किया जो करना था, हमने व्रत लिया कि हमारे समाज के लिए भी कुछ होना चाहिए और समाज के लिए वो होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ। हमारा समाज मुंबई शहर में बहुत कुछ हासिल किया मेहनत के बल पर। एक समय था जब हमारा हम लोग यहाँ सब्जी फल बेचते थे, वॉचमैनी करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। आज वो समय आ गया कि हम वो करने के बाद हमारे बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, CA हर तरह की जो है योग्य जो सही शिक्षा है देने में सक्षम हुए हैं। तो अब हमारी ज़रूरत भी बदल गई है, ज़रूरत हमारी जो बदल गई है उस बदली हुई ज़रूरत को ध्यान में रख करके अकेला चना भार नहीं पड़ता, विचार सबका सबसे नहीं मिलता है, हमारे साथ तो हमारा समाज है, लेकिन सौभाग्यवश हमारे विचार सिन्हा जी से बहुत मिलते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि भाई चलो अब हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे हमारे समाज को हमारे होने का एहसास हो और लगे कि नहीं भाई ये हमारे समाज के लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। उसी में ये एक कड़ी है, सिन्हा जी ने सुझाव दिया कि बिहार के लिए बिहार भवन होना चाहिए। मुंबई शहर काफ़ी महंगा है, यहाँ उतनी बड़ी ज़मीन संभव नहीं है और सौभाग्यवश मैं शाहपुर में ज़मीन का काम करता हूँ, हम लोग टाउनशिप डेवलप करते हैं, वहाँ हमारी ज़मीनें हैं, तो हम पहले से ही मंदिर बनी हुई है, भोजनशाला बनी हुई है, तो सोचा गया कि क्यों ना उस परिसर में एक भव्य भवन का निर्माण किया जाए और वहाँ हमारे समाज के लोग आए और उसका हर तरह से फायदा उठाए। जी देखिए, मेरे डैडी फिलहाल आपने इनसे भी सुना काफ़ी रिस्पेक्टेबल एक इंसान है, मैं भी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, इनफैक्ट यहाँ पे सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बेटी होने के नाते मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं उनसे काफ़ी कुछ सीख सकती हूँ, सीख रही हूँ। बिजनेस के अलावा, काम के अलावा आप उनसे पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग इंसान है और भावनाओं को समझते हैं, शायद इसीलिए उनके विचार काफ़ी मिले और इसलिए उन्होंने सोचा कि एक इतना बड़ा सा एक इनिशिएटिव, एक जिम्मेदारी ली जाए और ये सिर्फ जो समाज का जो भला होगा इससे वो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये नहीं कि हाँ आप कर रहे हैं कुछ, उससे ये पता चलता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, इंडियन होने के नाते आप कितना जिम्मेदारी निभा रहे हैं एक इंडियन होने के नाते।
सो मेरे हिसाब से वो काफी एक रिस्पेक्टफुल सिटीजन है और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रोग्राम के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, इस प्रोग्राम के बारे में जैसे उन्होंने बोला कि काफी कम लोग जानते हैं, काफी कम लोग इस शहर में जानते हैं मिथिला के बारे में, वो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो सबके लिए, सिर्फ मिथिला वासियों के लिए नहीं, मराठी गुजराती सबके लिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है जहाँ पे हर टाइप के लोग आ रहे हैं और हर टाइप के लोग समझ रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज से। तो मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम काफी अच्छा जा रहा है एंड काफी अच्छी बात है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं और इतने सारे लोगों को जानकारी मिल पा रही है इस चीज के बारे में। समाज से काफी लोग हैं जो आपके समाज से अभी काफी दूर है, जो अपनी निजी जिंदगी में इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये एक शुरुआत है, ये जो भवन का निर्माण हो रहा है ये सिर्फ हायर क्लास या लोअर क्लास लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अगर लोग इस बारे में जाने, हम चाहते हैं कि लोग इस बारे में जाने, इस बारे में समझे ताकि वो इस चीज से जुड़ सके। अगर लोग हमसे जुड़ते हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि उनका भी निर्माण डेफिनेटली होगा, उनका भी प्रोग्रेस डेफिनेटली होगा, उनको हमसे जुड़ने की जरूरत है। ये सिर्फ इजराइल समाज के लिए है या और सबके लिए है? ये बेसिकली इंडिया के लिए है, सबके लिए है, सबके लिए है। जमीन दी गई है, जमीन दी गई, उसके बाद उसका निर्माण करना, सब लोग पूरा समाज मिलके कर रहा है। 16 नहीं, एक तो हमको खुशी होती है कि हमारे बिहार के लोग यहाँ काफी संख्या में है और विद्यापति समारोह हर एक साल आयोजन करते हैं, इसके लिए सारे बिहार वासियों को बधाई मैं देता हूँ। और जो प्रवासी बिहारी हैं वो अपनी पहचान कहीं खोते नहीं हैं, अपनी पहचान खुद बताते हैं और हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यहाँ आकर के कई एक सभाएं बिहारियों के लिए, और जो भी समस्याएं दूसरे राज्यों में होती हैं बिहारियों को झेलना पड़ता है उसके लिए हमारे नेता और हमारा दल हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। और जहां भी हमारे बिहारी भाई हैं देश में और वहां की सरकारें अगर किसी तरह की कोई असामाजिक तत्व जो परेशान करना चाहती है तो उसमें भी हम लोग और हमारी सरकार, यहाँ जिस भी स्टेट के सरकार होती है उससे मिलकर के और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का और हमारे बिहार के लोगों को ना परेशान करने का ये हम लोग सुनिश्चित करवाते हैं कि सारे बिहार के लोग या किसी भी स्टेट के लोग इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं और यहाँ मुंबई की सरकार और मुंबई के लोग इसके बधाई के पात्र हैं। कभी कुछ घटनाएं होती रही हैं लेकिन अभी पीसफुल है और हम इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देते हैं और सरकार को भी बधाई देते हैं कि हमारे लोग यहाँ सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं।